नमस्कार दोस्तों, और एक ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करेंगे दो पावर एम्पलीफायर की, एक साथ LX-3200 एंड LX-6000। तो चलिए इसका लोड कैलकुलेशन भी करते हैं और इसमें कौन सी स्पीकर लगेंगी और क्या लगेगी। और आहूजा कंपनी की ये दो पावर एम्पलीफायर से बहुत लोग बोलते हैं कि आप आहूजा से कुछ आपको मिलता है क्या पैसा। मैं आपको बता दूं, मुझे कहीं से कुछ पैसा नहीं मिलता। ये मुझे बस इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे कहीं से पता चलता है तो मैं आपके लिए बनाता हूँ ये वीडियो। और आहूजा के साथ मेरे कोई भी डीलिंग नहीं है। और बाकी रहा आहूजा के क्यों करता हूँ, बाकी का कुछ कुछ करता हूँ, आहूजा का इसलिए करता हूँ क्योंकि बचपन से मैं आहूजा की सेट के साथ बढ़ा हुआ हूँ। अभी धीरे धीरे मैं दूसरे सेट के साथ आ रहा हूँ। जितना उसके साथ आऊँगा, जितना कॉन्फिडेंस दूसरे सेट पे मुझे आएगा, तब मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मुझे भी पता है कि आहूजा के सेट्स जितने भी एम्पलीफायर हो, स्पीकर हो, बेस्ट नहीं है। दे आर गुड फॉर आप सस्ता, सुंदर, मजबूत, अगर टिकाऊ जो जिसे बोला जाता है ना, एक वार्ड पे बोलूँगा आहूजा के लिए, तो सस्ता, सुंदर और मजबूत, ये तीनों चीज़ के लिए ये सही है। चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में LX-3200 के साथ LX-6000। तो पहले बात करते हैं LX-3200। ये जो पावर एम्पलीफायर आप देख सकते हैं, इसमें दो ही चैनल है, डुअल चैनल है। आप देख सकते हैं इस साइड पे एक चैनल है, चैनल वन, चैनल टू, मास्टर वॉल्यूम है, और इसका प्रोटेक्शन लेवल सब इंडिकेशन यहीं पर है। तो इन जनरल आप 3200 मतलब 1600 इधर चैनल वन पे, 1600 इस चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन कितने ओम पे देना है वो चलिए बात कर लेते हैं। तो ये क्लास एच एम्पलीफायर है, जैसे कि हमने बात किया है। और बाकी है, आप अगर 8 ओम पे इसको यूज करते हैं तो इधर 700, इधर 700 का डायट आप बॉक्स लगा सकते हो स्टेरियो और मोनो मोड पे। अब देखिए 4 ओम पर लगाना है तो इधर 1100 1100 2200 लोड दे सकते हैं। अब 2 ओम पे लगाना है तो यहाँ पे 1600 लोड दे वार दे सकते हो, तो यहाँ पे 1600। देखिए ये 1600 इसीलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो स्पीकर्स रहते हैं वो 4 ओम के होते हैं। अब 4 ओम दो यहाँ पे इसमें, इधर दो स्पीकर आपने 4 ओम का लगाया, 800 800 का, तो 1600 इधर हो गया, 2 ओम पैरेलल में हो गया ना, 4 ओम 4 ओम, दो स्पीकर 4 4 ओम के पैरेलल किया, 2 ओम हो गया, 800 800 1600 वाट इधर डाले और 1600 वाट इस साइड पे, ऐसे 4 स्पीकर इसमें आप डाल सकते हैं। इधर 800 वाट के दो स्पीकर 4 ओम के पैरेलल में, यहाँ पे भी 800 वाट का दो स्पीकर पैरेलल पे ऐसे कर सकते हैं। और ब्रिज आउटपुट मोड पे आप 8 ओम का अगर डायरेक्ट के ब्रिज में लगा रहे हैं सब ऊपर, तो 2200 वाट के लगा सकते हैं, और 4 ओम का लगा रहे हैं तो 3200 वाट के लगा सकते हैं। बस यही है। चलिए और ब्रिज मोड क्या है वो आपको हम बता देंगे अगले वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं LX-6000। जैसे 6000 है मतलब 6000 वाट। इधर डुअल पावर एम्पलीफायर है, ये दो चैनल है, इधर 3000 वाट, ये इधर 3000 वाट, 2 ओम पे 2 ओम अगर होता है, मतलब इधर भी वही आप 1500 1500 के दो अगर आपके पास स्पीकर है तो ये 4 4 ओम को आप हाफ करेंगे तो 2 ओम आएगा पैरेलल में, तो यहाँ पे दो स्पीकर, इस साइड पे दो स्पीकर लगा सकते हैं, या 3000 वाट के इधर भी एक स्पीकर, 3000 वाट अगर आपको पास है तो, या 4 ओम पे है तो ये जनरली रहता है 4 ओम का, इधर 2000 वाट का स्पीकर डाल दीजिए, यहाँ पे 4 ओम का 2000 वाट जो जनरल बहुत रहता है, ये वाला ज़्यादा यूज होता है। 8 ओम का अगर स्पीकर है आपके पास, 1300 इधर 1300 इधर, दो चैनल है। और ब्रिज आउटपुट के लिए आप यूज कर रहे हैं तो 4000 वाट आप देखिए यहाँ पे ब्रिज मोनो मोड में, अगर 8 ओम डायरेक्ट लगा रहे हैं तो 4000 वाट, अगर 4 ओम का लगा रहे हैं तो 6000 वाट मैक्सिमम इसमें आप दे सकते हैं ब्रिज मोड पे। अब ब्रिज मोड क्या है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। और ये बहुत अच्छी सर्किट, बिल्टअप प्रोटेक्शन से लिमिटर ऑन ऑफ है, और क्लास एच एम्पलीफायर से हमने बताया कि बहुत अच्छी है, प्रोफेशनली अच्छी क्वालिटी रहती है। आहूजा इतने भी ख़राब नहीं रहती कि हम लोग 75 साल हो गया भाई, 1940 से आज तक चल रहा है, 75 ईयर हो रहा है इंडिया में, अब हम बोलेंगे कि भाई ये ख़राब है तो बचपन से हम सुनाए, हम सुन रहे हैं, उससे पहले हमारे परदादा भी सुनाई करते थे आहूजा से। तो आहूजा के रेडियो थे, रेडियो जितने छोटे छोटे माइक थे गाँव में, तो उस दिन से चल रहा है भाई, तो इतना भी ख़राब नहीं। हाँ, आप JBL के साथ और बहुत सारे ऐसे नए कंपनियां अब आ रही हैं उनके साथ इसको कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा कम है, और RCF स्पीकर के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे भाई बहुत रेट है, और बाहर कंपनी क्या है, तो इंडियन कंपनी अगर ऐसा कुछ है बहुत दिन से 75 साल से चल रहा है, मतलब कुछ तो है कंपनी, नहीं वरना बहुत सारे कंपनी आए भी और गए भी। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग आहूजा से नाराज़ है, पता नहीं क्यों नाराज़ है, हाँ मैं ये बोलता हूँ DJ के लिए हो सकता है, आप बड़े DJ के लिए ये सही नहीं है, इतना पंच नहीं मिल सकता आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि आप छोटे मोटे DJ के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको यूज कर सकते हैं स्टेज मोनिटर।